गुड इवनिंग गाइस, आपका स्वागत है फिर से निखिल शर्मा व्लॉग्स में। आज तो आज हम आ चुके हैं इस दिल्ली के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में, जो अपने फर्नीचर के लिए जाने जाते हैं, बेस्ट क्वालिटी अश्योरेंस के लिए जो जाने जाते हैं। तो आपको मिलवाते हैं अमित जी से। नमस्ते सर। हेलो सर, कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। जी बढ़िया सर। तो आज गाइस सर ने हमको रिकॉर्ड करने का मौका दिया, तो सर आप छोटा सा इंटरव्यू दीजिए, अपना शोरूम के बारे में बताइए। जी सर। हेलो सर, जैसे मेरा नाम अमित उपाध्याय है और मेरे फर्म का नेम है वुडविले फर्नीचर एंड इंटीरियर्स। हमारा जो शोरूम है वो लोकेटेड है ईस्ट दिल्ली में, निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन अपोजिट V3S मॉल के पास में। जो मतलब कि हमारा जो काम है, क्वालिटी है सारा वुडन, सॉलिड वुड में फर्नीचर में काम करते हैं। जो हमारा काम है सर, सारा सॉलिड वुड फर्नीचर का काम है। इसमें सोफ़ा, डाइनिंग, ड्रेसिंग टेबल्स, सेंटर टेबल्स, बेड, सारी हम लोग फर्नीचर में आइटम में डील करते हैं। A to Z आइटम फर्नीचर में हम लोग डील कर रहे हैं इस टाइम। और जो हमारी मास्टरी है सारी वार्डरोब, डिज़ाइनर, सोफ़ा सेट, लग्जरी बेड्स वगैरह में भी डील कर रहे हैं। तो ठीक है सर, आज बताइए फिर कहाँ से शुरू कर रहे हैं? आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो अपने सोफ़ास के कुछ डिज़ाइन दिखाने जाऊँगा, जो मतलब आजकल हम जिसमें बहुत अच्छे डिजाइन से और सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड है इसकी। ठीक है, मैं वो डिजाइन आपको आज दिखाऊंगा। ओके सर, कहाँ से स्टार्ट करें सर? स्टार्ट आप ग्रीन वाले से ही कराते हैं, जो आपने शूट किया अभी। इसमें ग्रीन वाला ही हमने एल शेप का पैटर्न रखा पूरा। ओके, और इसमें हमने कॉन्सेप्ट के तौर पे इसमें हमने दो चेयर्स दी है। इसके आप देखेंगे जो चेयर्स के लेग है, लेग मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये सारे वुडन लेग्स है। वुडन लेग्स, हाँ, सागवान के लेग्स है इसमें। और जो इसके सीट में हमने यूज किया, ये पीयू की गद्दियां है सारी, ये पीयू की गद्दी है पूरी। और इसमें फैब्रिक हमने स्वेड यूज किया हुआ है ग्रीन कलर का। ओके, और इसके जो बैक पे हमने सारी पुल्टिंग दे रखी है, आप पुल्टिंग का वर्क देख सकते हैं, बिल्कुल फिनिशिंग वगैरह। हमारे यहाँ क्वालिटी मेंटेन काम होता है सारा जी, मीन्स हम क्वालिटी को लेके नो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और इसके आप देखेंगे सेम हमने आर्म्स पे भी पुल्टिंग दे रखी है इसकी सिमेट्री के लिए। और इसके यहाँ पे वर्साचे लोगो वगैरह दे रखा है। और इसकी जो एल शेप है, इसका साइज है 9x7 का साइज दिया हमने। ओके, और इसमें कुशन वगैरह सारे हमने लगा रखे हैं। ठीक है, तो सर ये कितना सीटर सोफा रहने वाला है? ये 6 सीटर सोफा है सर, टोटल 6 सीटर है विद सेंटर टेबल। हाँ, सेंटर टेबल इसमें इंक्लूड मतलब नहीं किया हमने, ये इसमें और भी मतलब सेंटर टेबल साथ ही है, वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। ओके, तो इस सोफे की अगर प्राइस की बात करें सर, क्या रेट कोट कर रहे हैं? ये सर जो एल शेप सोफा रहेगा वो आपको ओनली 60,000 एल शेप रहेगा। और इसमें ये अलग से रहेगा, इसका जब आप कस्टमर कॉल करेगा तो हम उसका प्राइस उनको बता देंगे। अच्छा, सिर्फ एल शेप का 60,000 रहेगा? जी जी। इसमें ये जो हमने कुशन वगैरह रखी है, इसकी गद्दी सारी HR फॉर्म में, और जो इनर स्ट्रक्चर रहेगा वो सारा सॉलिड टीक का रहता है सर। ठीक है, तो जो निखिल शर्मा व्लॉग्स के नाम से सर आएगा उसको कुछ डिस्काउंट दे पाएंगे एक्स्ट्रा? सर ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है निखिल शर्मा व्लॉग्स के लिए, बाकी अगर कॉल पे रहेगा तो हम नेगोशिएट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर इस सेंटर टेबल की बात करें, इसके बारे में बताइए सर। ये सर ये सेंटर वर्क, ये किसी कस्टमर का ही ऑर्डर का बन रहा है हमारे, इंटीरियर का काम हमारा चल रहा है उधर बिहार में, तो ये कस्टमर ने इंटीरियर करवाया है, तो उनका ये सारा जो आप देख रहे हैं अमीबा है, ये सारा अमीबा शेप है ये सारा, और नीचे का जो देख रहे हैं आप ये मेटल बेस है सारा, ये और CNC कटिंग हो रखी है इसमें, और इसमें ब्रश कोड हमने कर रखा है सारा। ठीक है, और इसके जो टॉप पे हमने दिया है ये सारा पॉलिस्टर और इनले वर्क दे रखा है, ये ब्रास का वर्क है सारा, और इसके ऊपर फिर पॉलिस्टर हो रखा है। ठीक है, तो सर इस अगर सेंटर टेबल की बात करें इसका क्या प्राइस है? इसका सर 68,000 है प्राइस। 68,000 जी। ठीक है, आगे चलते हैं सर, आगे क्या दिखाने वाले हैं? अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ ये अपना न्यू मॉडल दिखाने जा रहा हूँ, जो काफ़ी रनिंग में है और काफ़ी डिमांडेड है। ओके, इसके मतलब अभी आप हमने दो सेट अभी ऑलरेडी अभी नेक्स्ट प्रीवियस वीक में हमने ये बैंगलोर अभी ट्रांसफर किया है। बैंगलोर ट्रांसफर किया है, ठीक है। इसका जो पैटर्न है, इसका लुक जो है बहुत ही ऑसम है। आप इसके बेस में आपको बोलूंगा आप दिखाएं एक बार, इसका जो स्ट्रक्चर है जी, नीचे का जो बेस ये सारा सॉलिड वुड में है। ओके, और इसमें जो हमने पॉलिश कर रखी है ये सारी PU हाई ग्लॉस पॉलिश है, और इसके आर्म्स के साइड में भी हमने सारे ही फ्लेक्सी प्लाई का हमने ये यूज किया हुआ है, ठीक और है। इसके ऊपर भी PU हाई ग्लॉस है, और गद्दी सारी स्लिप वेल की रहने वाली है इसमें 40 डेंसिटी, और इसके काफी ये आप देखेंगे आर्म्स पे इसमें काफी जो वर्क होता है काफी ओवर वर्क कर रखा हमने, ये इसके बैक पे आप देखेंगे सारे ये बैक तक आ रहा है, स्लिप होता है, ये कर्व शेप दे रखा हमने इसके बैक में, और सीट के बैक पे हमने इसमें हमने फुल्टिंग का वर्क कर रखा है, जंपी सोफा है बहुत, फिर बैठने के बाद मतलब
बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहने वाला है। ठीक है, तो सर अगर किसी को कस्टमाइजेशन करानी हो अपने किसी व्यूअर को? सर हमारा मास्टरी है कस्टमाइजेशन में, हमारा जो मेन काम है कस्टमाइजेशन का ही है, प्रॉपर इंटीरियर वर्क करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सर इस सोफा, ये दोनों अलग अलग सोफा है ना? हाँ जी, ये 3+2 का रहेगा सर। ठीक है, और इसका प्राइस कोड रहेगा सर 72,000। 3+2 का जी, 3+2 का रहेगा 72,000। और ये अगर सेंटर टेबल की बात करें, इसके साथ ये वाली सेंटर टेबल है सर? जी सर, इसमें तो मतलब सोफे के साथ आप कोई सी भी सेंटर टेबल ले सकते हैं, वो फिर हम आपको फोटोज भेज देंगे, उनमें से आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सर अगर सामने वाला सोफे की हम बात करें तो वो वाला सोफे के बारे में बताइए। ये वाला अभी एल शेप सोफा हमने रखा हुआ है, अगर जैसे आप कस्टमर को 3-2 में बनवाना हो और 3-1-1 में बनवाना हो तो सारा कस्टमाइज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम एल शेप में बना रहे तो ये एल शेप में ही मिलेगा आपको। ओके, अगर आपको ये 3-1-1 में बनवाना हो या फिर आपको ये 3-2 में बनवाना हो, सब में कस्टमाइज हो जाता है। और ये सारा फैब्रिक जैसे कस्टमाइज कराना हो, गद्दियाँ कुछ और लगवानी हो, तो सर टोटली कस्टमाइज हो जाएगा। मतलब अपने हिसाब से, अपने जैसे किसी किसी के घर में थोड़ी कम स्पेस होता है, ज्यादा स्पेस होता है, अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप मतलब कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैब्रिक कस्टमाइज करते हैं, क्योंकि हमारा ट्रेडिंग का काम नहीं है, प्रॉपर कस्टमाइजेशन का वर्क है हमारा। ठीक है, तो सामने अगर सर इस सोफे की बात करें जी, इसका प्राइस क्या कोट करेंगे? ये सर जी, ये एल शेप पूरा रहेगा, 6 सीटर में वैसे ही, और इसका प्राइस जो हमने रखा हुआ है 52,000 रखा हुआ है। एल शेप का 52,000, कितने सीटर है सर ये? ये सर जी वैसे तो 5 सीटर आप गैदरिंग होगी, बट इंक्लूडिंग ये काउंट करेंगे तो 6 सीटर का लुक देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सर, आगे क्या दिखा रहे वाले? आगे मैं तो आपको दिखाने जा रहा हूँ ये वाला मॉडल, दिखाने जा रहा हूँ जो ऑफ क्रीम वाइट में हमने रखा हुआ है जी। ये भी आज के अभी मतलब बहुत रनिंग में है, आप बहुत ज्यादा इसमें देख रहे होंगे, बट हमने जो इसमें जो गद्दियाँ यूज की है, हमने इसमें हमने पूरा पीयू यूज किया हुआ है, सिंगल पीयू। ओके, ठीक है, इसमें हमने सीट में पार्टीशन नहीं दे रखा है, बहुत बहुत मतलब जंपी सोफा है, काफी फील आने वाला है, बैठने पे कंफर्टेबल रहेगा ये। और इसमें हमने कुशन भी, इसके जो कुशन हमने रखे हैं, ये वाला कुशन मैं आपको दिखाऊंगा, इसका वर्क दिखाइएगा जी, मतलब कुशन में जो स्टिचिंग वर्क है, इसमें सारा खेल इसमें सारे फिनिशिंग का है जी, काफी अच्छी फिनिशिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे। फिनिशिंग में मतलब कि बहुत मास्टरी है हमारे यहाँ, जो लेबर काम भी कर रही है वो 15-15 साल पुरानी लेबर्स है। ओके, तो वो उनके फिनिशिंग में जो हाथ का फिनिशिंग आता है वो काफी अच्छा निकल के आता है, मतलब लेबर काफी एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सर, ये यूज किया है ऐसे, ये मेटल का, ये लेग में, ये सिंगल पीस में, ये पूरा okay. अंदर तक राउंड भी है, और ये पूरा मतलब कि ये नीचे तक लेग में भी सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो इसमें कितने डेंसिटी फॉर्म यूज हुआ है सर? इसमें सर जी पीयू में डेंसिटी नहीं होती है सर। ओके, हाँ, अच्छा, ये कुशन पीयू होते हैं सारे, इनमें डेंसिटी नहीं होती, बट ये मतलब बहुत ड्यूरेबल रहते हैं, और ये आज के टाइम पे सबसे लेटेस्ट है। कुछ गारंटी वारंटी सर? बिल्कुल सर, रिटर्न वारंटी मिलती है इसमें 5 ईयर्स की आपको, और वो भी रिटर्न मिलता है, और वैसे इसमें दिक्कत आती नहीं है जनरली, और वैसे आ भी जाते हैं तो हमारे मतलब वहाँ पे रहते हैं कारीगर, वो जाके वो सॉर्ट आउट कर देते हैं, इजीली रिपेयरेबल है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, इसकी प्राइस की अगर बात करें जी, तो क्या प्राइस कोट करेंगे इसका? सर प्राइस हमने रखा हुआ है 62,000। ठीक है सर, 3+2। चलिए आगे चलते, आगे कौन सा सोफा दिखाने वाले हैं सर? अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सर, ये एल शेप सोफा है, ये बेसिकली रिक्लाइनर सेट सोफाज में काउंट होता है, इसके जो हमने हेड पे है सारे ये मैकेनिज्म लगा हुआ है, जो एडजस्टेबल है ये सारा। अच्छा, एडजस्टेबल है, हेड के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके जो गद्दी में है, सेम हमने पीयू वर्क यूज किया हुआ, और इनर स्ट्रक्चर सारा सॉलिड टीक में है। ठीक है, तो ये कितना सीटर रहने वाला है सर? ये सर जी अभी सेटिंग जो आप देखेंगे इसमें 5 सीटर की गैदरिंग होगी, बट इसमें हमने एडिशनल ऐड किया हुआ है, ये आप देखेंगे इसमें जो हमने ना, ये दो मग होल्डर यूज किया हुआ है, मग होल्डर का होल्डर भी है, मग होल्डर है इसमें। ठीक है, और इसमें जो आपका ये है, ये स्टोरेज है सर, तो स्टोरेज भी काफी डीप है इसमें, अगर आप देखें गाइस, आप देख सकते हैं काफी डीप स्टोरेज इसमें है, और ये पूरा आपको कॉर्नर पे ट्रे मिल रहा है पूरा। अच्छा, ट्रे बैक पे भी आप देखेंगे क्रिस क्रॉस वर्क हो रखा है, और इसमें जो बैक में जो सपोर्ट मिलता है बैठने पे, ये देखिए मतलब लुक वाइज भी काफी इम्पोर्टेंट। एक बार मैं चाहूंगा सर, एक बार बैठ के दिखाइए आप प्लीज। बिल्कुल सर, बैठने के बाद ये काफी इम्पोर्टेंट, लेग रूम भी काफी अच्छा है इसमें जी, और इसका एड्रेस भी है पीछे। ठीक है, ये इसको हेड आप अपने एडजस्ट के अनुसार जैसा आपको कम्फर्टेबल हो वैसा एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका जो हमने प्राइस रखा हुआ है सर, बहुत ही नॉर्मल प्राइस रखा हुआ है, ये 88,000 में पूरा एल शेप है। 88,000 में? ठीक है, तो सर अगर एक सोफे के ऑर्डर देने के बाद उसका कितनी देर में मतलब वो पूरा बन के रेडी हो जाता है? सर मैक्सिमम जो हम लोग टाइम लेके चलते हैं वो
15 से 20 डेज का टाइम लेके चलते हैं। एक 5 सीटर के लिए, 7 सीटर के लिए? जी जी बिल्कुल, 5 सीटर हो या 10 सीटर हो या कितने भी सेट हो, उसके लिए हम 15 टू 20 डेज का टाइम पीरियड लेके चलते हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं सर, आगे क्या दिखाने वाले? अभी ये सर हमारे कस्टमर का ऑर्डर जा रहा है, ये पूरा बनके एल शेप सोफा विद टू चेयर्स, ये मैंने रिक्वायर्ड बेसिकली आपको वीडियो शूट में आपको दिखा सकूं। अच्छा, ये पूरा सेट उनका एक सिमेट्री में बनके जा रहा है। और ये इसमें उन्होंने चेयर्स भी, तो इसमें चेयर्स काफी इंटरेस्टिंग है सर। जी जी, मतलब इसमें चेयर्स अलग ही इन्होंने बनवाई है। बिल्कुल सर, ये हमारे बेसिकली इंटीरियर डिजाइनर्स ने डिजाइन किया हुआ है ये। ओके, और उनको मतलब रिकमेंड किया हुआ है उनके एरिए और इंटीरियर के ड्राइंग रूम के हिसाब से। ठीक है, एक ये सोफा सेट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये 311 का कॉन्सेप्ट बेसिकली हमने रखा हुआ है। ठीक और है, ये जिसके आर्म्स और जिस चौकी बेस है ये पूरा पूरा ये मतलब टोटल सागवान में, और जो पॉलिश यूज की हुई है सर ये वाटर प्रूफ पॉलिश है, आइका कंपनी की पॉलिश हम लोग यूज करते हैं, जो इसमें वाटर प्रूफ पॉलिश होती है और नॉन स्क्रैचेबल होती है। ठीक है, और इसमें जो गद्दी वगैरह है सारी वही 40 डेंसिटी की यूज की हुई है हमने, और काफी कंफर्टेबल होता है लुक वाइज, जैसे किसी का कम स्पेस है घर में जी, तो ये वहाँ पे फिट आ जाता है। फिट आ जाता है हाँ, इसकी जो डेप्थ है जो लंबाई है 3 सीटर की वो मतलब बाकी सब ब्रॉड सोफों से कम होती है, जो इजिली जो हमारा घर होता है उसको ब्रॉड फील नहीं कराते, उसको भरा भरा नहीं करती। ठीक है, तो इसके भी सर गारंटी वारंटी? बिल्कुल, 5 ईयर्स की रिटर्न वारंटी होती है, और ये टोटल सागवान में। सागवान में जी बिल्कुल, ये सारा सीपी सागवान हम लोग यूज करते हैं उसमें। इसके नीचे भी काफी ज्यादा स्पेस है सर। हाँ जी, ये पूरा हमने ये मतलब कर्व है, ये डिजाइन ही इसका मॉडल ही इस टाइप का, बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड फील नहीं कराएगा ये, और भरा भरा रूम नहीं करता। ठीक है, तो इसकी अगर प्राइस की बात करें? ये सर जी 40,000 में रखा हुआ है, 3+1+1 का। ठीक है सर जी सर, और इसी से एक और मॉडल है, ये भी सारा सागवान में ही है, ये भी किसी का जा रहा है अभी, ये भी पैक होके जा रहा था, मैंने अभी रुकवाया है इसको भी, ये किसी का बन के जा रहा है 311+ सेंटर टेबल। जी काफी ज्यादा मतलब सर ये यूनिक डिजाइन है जी, और मतलब एकदम अट्रैक्टिव है, और ये फैब्रिक भी सारा स्वेड यूज किया हुआ और ड्यूअल टोन में यूज किया हुआ हमने जी, एक मतलब प्रिंटेड प्लस प्लेन स्वेड। ओके, ये और इसमें का जो सेम रहेगा सर स्ट्रक्चर सारा सागवान का, इसमें पीयू हाई ग्लॉस पॉलिश है, 40 डेंसिटी की फॉर्म रहेगी इसमें सारी अपनी, और जो इसमें जो वर्क हो रखा है जो सारा मतलब की गारंटेड काम है, और सेंटर टेबल में भी हम लोग जो यूज करते हैं सारा मोदी ग्लास यूज किया हुआ है इसमें। ओके जी, ठीक है, तो ये अपना 5 सीटर रहने वाला है सर। 311 का जो प्राइस रहेगा सर सोफे का वो आपका 34,000 का है। 34,000 मतलब ये काफी अच्छा रेट है यहाँ पे। जी सर, ये इकोनॉमी है, और जैसे किसी के घर में ज्यादा स्पेस नहीं है तो ये वहाँ पे फिट लगता है। डाइनिंग के सेक्शन में आ रखे जी, बताइए सर। अब जो मैं आपको सर डाइनिंग दिखाने जा रहा हूँ, जो मतलब कि सारा सागवान में है डाइनिंग भी हमारा, टोटल टीक वुड में रहने वाला है और मार्बल स्टोन रहेंगे, और जैसे आपको किसी कस्टमर को डिजिटल ग्लास में चाहिए, ग्लास टॉप में चाहिए, प्लेन ग्लास में चाहिए, तो वो सारा कस्टमाइज हो जाता है इसमें। अच्छा, चेयर्स भी जैसे किसी कस्टमर को हम दिखाते हैं, चेयर्स कोई और पसंद आती है तो हमें स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं जी, और हम उसके साथ भी उनको प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, और जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ ये बेसिकली 6 सीटर डाइनिंग सेट है। ओके, और जो इसका साइज रहेगा वो 5.5x3 का है। ठीक है, ये जो मार्बल का साइज है, और इसमें जो हमने टॉप यूज किया हुआ है सर ये सारा क्रीम ऑनिक्स है। क्रीम ऑनिक्स, सिंथेटिक ऑनिक्स होता है, अफगानी मार्बल है ये सारा, और इसमें जो बेस रहेगा सारा ये सॉलिड सागवान में, और पॉलिश सारी प्यू हाई ग्लॉस रहेगी। ठीक है, ये डार्क थीम में थोड़ा वॉलनट डार्क है जी, और लाइट चाहिए तो लाइट हो जाएगा। 6 सीटर रहने वाला है जी, तो सर इसमें कलर्स अवेलेबल होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें ना दो कलर आते हैं, इसमें व्हाइट कलर आता है और ये क्रीमिश कलर आते हैं ऑनिक्स में, अफगानी मार्बल में। ठीक है, इसकी जो चेयर्स की दिखाऊं, इसकी जो गद्दी रहने वाली है 40 डेंसिटी स्लिप वेल में रहने वाली है, स्वेड आप अपने फैब्रिक चॉइस के अकॉर्डिंग लगवा सकते हैं। ठीक है, जो हम फैब्रिक भी यूज करते हैं सारा ब्रांडेड और प्रीमियम क्वालिटी का फैब्रिक होता है, ये ड्राई क्लीन हो जाता है, जैसे कई बार कस्टमर पूछते हैं कि थोड़े टाइम बाद अगर गंदा हो जाता है, कुछ डस्टी हो जाता है तो हम क्लीन कैसे करें, तो आप ये इजीली ड्राई क्लीन हो जाता है। तो सर अगर बात करें किसी किसी को, जैसे दिल्ली NCR तो ठीक है, किसी को दिल्ली से बाहर अगर डिलीवरी चाहिए जी, है ना, ईस्ट साउथ कोई भी अगर साइड जी जी दिल्ली के बाहर, तो सारा अवेलेबल रहेगा आपका? बिल्कुल सर, वो ही मैं अभी कंटिन्यू भी करने वाला था कि हमारा जो रहता है ऑल ओवर इंडिया डिलीवर है। अच्छा, और जो हम डिलीवरी का प्रोसेस भी रखते हैं, हम जिनसे टाई अप है हमारा अग्रवाल एंड मूवर कंपनी से टाई अप है, जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। ठीक है, मतलब जो आप माल ले रहे हैं और भेजने तक की उनकी गारंटी होती है, इंश्योरेंस वगैरह करा के
प्रॉपर बबल गत्ते वगैरह में बकायदा रैपिंग होके ये अच्छे से जाता है, मतलब एकदम जेन्युइन काम होता है। बिल्कुल सर, हम क्वालिटी को लेके, मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में ही बताया, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो हमने डिलीवरी का भी जो प्रोसेस रखा है नंबर वन रखा है। ठीक है, तो इसकी अगर प्राइस की बात करें, जी सर, क्या कोट करेंगे सर? सर इसका जो 6 सीटर का प्राइस रहने वाला है ये 70,000 रहने वाला है, इंक्लूडिंग चेयर्स। ये पूरे सेट का प्राइस 70,000 रहने वाला है। ठीक है सर, चलते हैं आगे सर। जी, अब ये एक व्हाइट ऑनिक्स में हमने रखा हुआ है, और इसमें जो हमने चेयर्स रखी है फुल कवर चेयर्स है सर। इसमें भी हमने चेयर्स में डुअल टोन दिया, काफी अच्छी चेयर्स है, और सारा सागवान में ये पूरा। ठीक है, और इसमें आप लेग में देखेंगे कार्बन दे रखा है, जो सेम कार्बन हमने इसके डाइनिंग के लेग में दे रखा है। और इसके टॉप पे हमने व्हाइट ऑनिक्स अफगानी मार्बल यूज किया। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ इसकी लेग्स काफी ज्यादा अच्छी है, मतलब बीच में कटिंग हो रखी है सर। जी जी, मतलब काफी ज्यादा डिजाइनिंग के साथ हमने काम किया। कार्विंग होती है बेसिकली लेवर। अच्छा, हाथ से किया हुआ है? जी जी, हाथ से पूरा डिजाइन किया हुआ है ये। जी, मैं अपने व्यूअर्स को क्लोज लुक दिखाना चाहता हूँ। गाइस देखिए कितना ये फिनिशिंग के साथ यहाँ पे काम किया गया है। ठीक है सर, और जो गद्दी में हमने यूज किया हुआ है सेम स्लिप वेल किया हुआ है, स्वेड फैब्रिक है। और पॉलिश जो है सर ये सारी सेम हमने आइका की पीयू पॉलिश यूज रखी। ये भी 6 सीटर रहने वाला है। तो इसका साइज जी बड़ा है सर। जी, इसका साइज 6x3 है। 6x3 है इसका साइज। तो ठीक है सर, इसमें कौन सा मार्बल यूज हुआ है सर? इसमें सर व्हाइट ऑनिक्स यूज हुआ। व्हाइट ऑनिक्स जी। ठीक है सर, इसका जो प्राइस रहने वाला है वो बेसिकली 98,000 जी। ठीक है, इसका फिनिशिंग वर्क भी देख सकते हैं, जो हमने कारीगर काम करते हैं, मतलब फिनिशिंग जेन्युइन होती है। और इसके ऊपर जैसे कस्टमर को पॉलिस्टर वगैरह भी करवाना है तो वो भी हो जाएगा, अभी ये विदाउट पॉलिस्टर है। तो इसमें भी कलर्स अवेलेबल रहेंगे सर? इसमें सर दो ही कलर आते हैं, ऑफ एक क्रीमिश कलर आता है और एक प्योर व्हाइट आता है। चलिए ठीक है सर, चलते हैं आगे। अब मैं आपको सर एक ये दिखाने जा रहा हूँ, ये चंडीगढ़ का भी हम ऑर्डर कर रहे हैं चंडीगढ़ में। अच्छा, चंडीगढ़ जाएगा? जी जी। अच्छा, तो उनका पूरा ये रूम का डिजाइन किया हुआ है, और ये जो मार्बल है ये प्रीसियस स्टोन अगेट मार्बल है। अच्छा, आप दिखा देंगे एक बार क्लोज करके, मतलब जो इसका फिनिशिंग है, जो इसका लुक है, बहुत ही नेचुरल है ये। और इस पर मतलब पॉलिस्टर वर्क हो रखा है सारा इसके ऊपर। जी गाइस, देख सकते हैं आप सारे, मैंने आपको सोफा और आपको डाइनिंग मैंने आपको दिखाए हैं। कोई भी अगर आपको सोफ़ा या डाइनिंग पसंद आता है तो प्लीज़ आप नीचे दिए गए नंबर पे, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके सेंड करिए, आपको अमित जी असिस्ट करेंगे। ठीक है सर, इसके बारे में बताइए सर, ये 6 सीटर रहने वाला है, तो इसके चेयर्स में कौन सा कपड़ा यूज़ हुआ है सर? ये सर जी प्रीमियम सुएड है ये। मैं चाहूँगा सर एक बार चेयर्स पूरी दिखाइए प्लीज़। जी, आप इसका वर्क देख सकते हैं। जी, इसमें मतलब कि आप बहुत ही ज़्यादा आप बारीकी से हमने फिनिशिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया हुआ है। और मतलब वैसे तो हम सारा ही फिनिशिंग करते हैं, बट ये जो चंडीगढ़ का ऑर्डर है इसमें डबल काम है सारा। ठीक है, ये कस्टमर ने हमें आप पूछा कि ये वर्क हो सकता है, तो हमने ये टोटल उनके अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया हुआ है। तो नीचे SS यूज हुआ है सर? ये सर जी हाँ, ये MS के लेग कैप हुए हैं, 4 इंची के कैप है। ये जो लेग यूज हुए हैं ये बेसिकली ओरियंट शेप में, थोड़ा सा टेपर में है ये। हाँ जी, हाँ जी जी। और ये सारा मतलब ये जो पॉल इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रखी है। ओके, और इसका बैक आप देख सकते हैं, इसके बैक में कुल्टिंग वर्क है, काफी ज्यादा ये अट्रैक्टिव डिजाइन है, मतलब फिनिशिंग के साथ एकदम यहाँ पे काम। अभी हमारा मतलब खुद का डिजाइन किया हुआ चेयर है ये। ओके, और मतलब अभी मार्केट में ये आपको इजीली देखने को भी नहीं मिला है, क्योंकि हमारे इंटीरियर द्वारा डिजाइन किया हुआ। जी, मैं एक बार अपने व्यूअर्स को सर नीचे से भी दिखाना चाहूंगा। जी, नीचे से आप देखिए गाइस, ये सारा सॉलिड टी बोर्ड में, उसके ऊपर मापा बॉल वीनियर लगा हुआ है। जी, मतलब काफी ज्यादा अच्छा है। इसके प्राइस की अगर बात करें, ये सर जी इसका जो प्राइस रहने वाला है जी, ये 2,05,000 इसका प्राइस है। 2,05,000 जी, मतलब काफी ज्यादा ये अच्छा दिखने को मिल रहा है सर। आगे चलें सर। जी, 6 सीटर डाइनिंग सेट है, डिस्प्ले मॉडल। और इसमें जो चेयर्स है, चेयर्स की बात करें, इसके जो नीचे के लेग्स रहने वाले हैं ओरियन शेप में, ये भी कर्व में, और इस पे जो विनियर यूज किया हमने, ब्लैक विनियर यूज किया हुआ है ये। ओके, और इसका बेस आप दिखाई पर जी, हेक्सागन शेप में बनाया हुआ है। इसमें ये सारा 304 ग्रेड का हमने SS यूज किया हुआ है, मतलब बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंटीरियर का काम देखने को मिलेगा, काफी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आपको काम देखने को मिलेगा गाइस। तो सर ये भी 6 सीटर रहने वाला है, इसका मैं बैक दिखाने वाला हूँ अपने व्यूअर्स को। कंप्लीट बैक आप देखिए, इसका कितना अच्छा काम यहाँ पे हुआ है,
और सर जो इसके हमने फैब्रिक जो हमने इस पे यूज़ किया हुआ है, ये इटालियन टाइगर स्वीट फैब्रिक है, जो इस पे आप देखेंगे रफ जैसा फील जो आ रहा है, टाइगर जैसा शेड जो आ रहा है। हाँ जी, ये बेसिकली ये फील छूने पे नहीं आएगा, ये लुक वाइज आएगा। यहाँ पे स्टिचिंग का भी अगर हम काम देखें, मतलब एकदम टॉप क्वालिटी का काम है सर। जो कारीगर काम कर रहे हैं वो 15-15 साल पुराने कारीगर है हमारे पास। अच्छा, कारीगर है पूरे जी। जैसे कि आप यहीं पे हमारा बनता है, फिर यहीं पे मतलब हमारे सुपरवाइजर में, ये सुपरविजन में हम लोग अपने रखते हैं ये सारा काम। ठीक है। उससे क्या होता है, फिनिशिंग पूरी निकल के आती है, ताकि हम भी कस्टमर को दिखा पाते हैं, उनको अच्छे तरीके से गाइड कर पाते हैं। ठीक है सर। तो सर इसमें जो ऊपर मार्बल यूज हुआ है, ये कौन सा मार्बल है सर? ये भी सर ऑनिक्स मार्बल है। इसमें हमने पॉलिस्टर यूज किया हुआ है, इनले प्लस पॉलिस्टर वर्क है इसके ऊपर। आप देखेंगे जो इसका फिनिशिंग जो ज्यादा जो चमक आ रही है, इसमें जी, ग्लास जैसा जो लुक आ रहा है, ये पॉलिस्टर की वजह से आ रहा है सर। ठीक है सर। तो इसके अगर प्राइस की बात करें हम जी, इसका जो प्राइस रहने वाला है सर, ये 1,65,000 रहने वाला है। 1,65,000 जी सर। और इसका जो साइज भी है, मैं वो आपको बता दूँ जी सर। साइज इसका है 6.5x3 साइज है। 6.5x3 जी। अगर जैसे कस्टमर बनवाना चाहे कि मुझे 8 सीटर में चाहिए, तो वो भी सारा कस्टमाइज हो जाता है। मतलब 8 सीटर, 4 सीटर, 6 सीटर जी, बिल्कुल 4 सीटर मिल जाएंगे आपके यहाँ पे कस्टमाइजेशन पे। मतलब कोई भी इंटरनेट से फोटो अगर निकलवा के आपको दिखा दें तो आप बना देंगे? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ मतलब टोटली कस्टमाइज फर्नीचर में हमारी मास्टरी है। मास्टरी बिल्कुल, बहुत अच्छा। और सारा इन हाउस है। अभी जैसे नेक्स्ट वीडियो में जैसे हम आपको अपने फैक्ट्री और इंटीरियर के कुछ वर्क भी आपको दिखाएंगे। ठीक है सर। ये सारा नेचुरल ऑनिक्स में। अच्छा, नेचुरल क्रिस्टल ऑनिक्स है ये बेसिकली। ओके, आप इसका फील देख सकते हैं, नेचुरल है ये सारा। जी जी। और इसके ऊपर पॉलिस्टर वर्क को रखा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका तो सर देखने के मतलब इतना प्यारा ये देखने में लग रहा है जी। अब देखिए, चेयर्स भी हमारी खुद की डिजाइन की हुई है। बेसिकली बैक से हमने सीधा कर्व रखा है, और आगे से मैं आपको दिखाना चाहूँ जी, चारों लेग में इसके सेम SS की कैप लगी हुई है, MS की, और गद्दी सारे स्लिपवेल की 40 डेंसिटी में। इसके जो आर्म्स हमने कर्व कर रखे हैं। हाँ बिल्कुल, जो आप बैठने पे आपके बैक को सपोर्ट दे। मैं साइड से दिखाऊंगा एक बार, साइड से देख, ज्यादा अच्छा व्यू मिल रहा है। जो हमने बैक में यूज किया हुआ है सर, ये मापा बॉल विनियर है जी। मैं एक बार बैक से भी दिखा देता हूँ जी। ये देखिए गाइस, मतलब क्या फिनिशिंग यहाँ पे है, मतलब एकदम शाइन है सर। ये सारी प्यू हाई ग्लॉस की फिनिशिंग है, काफी ज्यादा अच्छी है, आपको देखने को मिल रही है। ठीक है सर, पूरा ये कर्व हो रखा है, ताकि जब बैठने पे हमारे बैक को पूरा सपोर्ट मिले, सपोर्ट मिलता है, ऐसा लगता है पूरा प्रॉपर तरीके से भी कंफर्ट आता है इसमें। तो इसमें जो ऊपर मार्बल यूज हुआ है सर जी, ये कौन सा मार्बल है? ये सर जी नेचुरल ऑनिक्स है। नेचुरल ऑनिक्स, इसमें भी कई सारे शेड आते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, ब्लू शेड हो गया, ब्राउन, रेम्बो। तो वो जैसे कस्टमर को हम सैंपल्स दिखा देंगे, उसमें से वो सिलेक्ट कर सकते हैं हमसे। ठीक है। तो इसमें जो कपड़ा यूज हुआ है सर चेयर्स में, ये कौन सा कपड़ा यूज हुआ है? ये सारा स्वेड है, प्रीमियम स्वेड है ये सर। और इसमें भी हमारे पास मतलब 500 शेड्स है। अच्छा, 500 जी जी। मतलब कलर कॉम्बिनेशन किसी को चाहिए, या फिर प्लेन चाहिए, स्वेड चाहिए, टेक्सचर में चाहिए, तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है सर। और इसका बेस सारा रहने वाला है सॉलिड वुड का है ये। और इसमें जो SS का काम हो रखा है, ये नीचे स्ट्रिप लगी हुई है सर, बेसिकली 3 इंच की। और ये जो 304 ग्रेड की स्ट्रिप है ये सारी, मतलब काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पे रेट्स हैं। इसका कर्व भी देख सकते हैं, मतलब क्वालिटी मेंटेन काम है, और प्राइस भी हमने मार्केट से बहुत डाउन रखा हुआ है। हाँ जी, क्योंकि इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, और खुद की यूनिटें काम कर रही है, हमारी खुद की यूनिट्स लगी हुई है, तो प्राइस भी हम कस्टमर को बहुत ही अच्छा दे पाते हैं। ठीक है सर जी। अब एक और मैं आपको इकोनॉमिकल रेंज में दिखाऊंगा, ये भी बहुत ही काफी अच्छा डिजाइन है, टोटल सागवान में, सेम मार्बल में। और ये आपका रहने वाला है, देखिए आप इसका बेस वगैरह जी। चेयर्स भी हमने ड्यूल टोन में रखे सेम, और इसके बैक पे हमने क्विल्टिंग वर्क दे रखा है जी। काफी ज्यादा यहाँ पे कलरफुल जो इसमें कपड़ा यूज हुआ है, इसमें कौन सा सर इसमें फैब्रिक यूज हुआ है? सर सेम है, ये प्रिंटेड स्वेड है। अच्छा, प्रिंटेड स्वेड जी। ठीक है, मैं अपने प्लेन स्वेड है जी, मैं अपने व्यूअर्स को, ये सागवान में है ये सर। अच्छा, सागवान में है। जिसमें हमने पॉलिश यूज किए हुए हैं, वो गोल्डन मेटालिक पॉलिश यूज की है जी। मैं अपने व्यूअर्स को एक बार पीछे से दिखाना चाहूंगा सर, थोड़ा सा। हाँ जी, ये देखिए, ये बेसिकली क्राउन का हमने टॉप पे दिया हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये गाइस देख सकते हैं आप कितना फिनिशिंग के साथ यहाँ पे काम हुआ है,
और बेस्ट क्वालिटी का आपको काम यहाँ पे देखने को मिलेगा। कोई भी अगर आपको जो मैंने अभी तक आपको सोफ़ा या फिर आपको डाइनिंग दिखाई है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अमित सर को व्हाट्सएप करिए नीचे दिए गए नंबर पे, आपको सर असिस्ट करेंगे अच्छे से। जी सर, सर इसमें कौन सा मार्बल यूज़ हुआ है बताइए। सेम सर, ये अफगानी मार्बल प्री मोनिक से ये भी, और इसका जो साइज रहने वाला है ये 6x3 का है। 6x3 का कस्टमर को साइज कम ज्यादा करवाना है, हाँ जी इसमें भी करवा सकते हैं, अपने हिसाब से हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, कस्टमर को 4 सीटर में चाहिए, 6 सीटर में चाहिए, 8 सीटर में चाहिए, तो उस हिसाब से कस्टमाइज हो जाता है। ठीक है, और जैसे मार्बल भी चेंज करवाना हो, पॉलिश चेंज करानी हो या फैब्रिक चेंज कराना हो, हमारा सिर्फ ये नहीं है कि फैब्रिक चेंज कर देंगे या फिर पॉलिश चेंज कर देंगे, आप टोटली कस्टमाइजेशन का हमारा काम है। ठीक है, तो सर एक बात बताइए, जैसे कुछ कुछ कस्टमर्स मतलब सोफा या फिर डाइनिंग लेके तो आ जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता कि मतलब क्वालिटी फिनिशिंग वर्क उसमें कैसा देखा जाए, फिर वो बाद में बाद में उनको प्रॉब्लम होती है काफ़ी ज़्यादा, तो उसके बारे में क्या कर सकते हैं। हाँ, आपने सही बोला ये सर, कि जैसे आजकल कस्टमर सोचते हैं कि हमने सस्ता डाइनिंग टेबल या सोफ़ा फर्नीचर हमने बाय कर लिया है, हाँ जी, बट वो उस टाइम तो वो लोग क्वालिटी को लेके या फिनिशिंग वर्क को लेके वो लोग थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान नहीं देते, वो मिसगाइड हो जाते हैं वहाँ पे, उन्हें बस प्राइस रेशियो दिखता है कि यहाँ पे मैं उनसे मतलब कि सस्ता मिल रहा है मुझे वहाँ से, जी। तो वो सस्ता इस वजह से हो जाता है क्योंकि वहाँ पे फिनिशिंग वर्क मैटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैटर करता है, फिर क्वालिटी, फैब्रिक, फॉर्मिंग और सारा जो क्या मटेरियल हम लोग इनर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो इसका आउटर फिनिशिंग सिर्फ मैटर नहीं करता है, इसका इनर स्ट्रक्चर भी मैटर करता है, और फैब्रिक भी लुक वाइज, जैसा कि आप 200 रुपये पर मीटर फैब्रिक जो आता है वो सेम लुक वाइज होता है, बट जो उसकी फिनिशिंग जो फील का अंतर होता है वो उसमें जब हम 500 वाले को छू के फील करेंगे और 200 वालों को तब पता चलता है, 200 वाले फैब्रिक को जब हम फील करेंगे छू के तो उसमें फिर अंतर पता चलता है। ठीक है, ठीक है, तो गाइस अमित जी ने आपको सारा यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया, एक एक आपको कैसे क्वालिटी का पता लगाना है। ठीक है सर, तो इसकी अगर हम प्राइस की बात करें सर, इसका जो सर प्राइस रहने वाला है ये 98,000 रहने वाला है पूरे सेट। 98,000, तो सर अगर हम पर चेयर की बात करें वो कितने में हमको पड़ने वाली है? सर पर चेयर आप जब हमसे कस्टमर कॉल करेगा तो हम उन्हें गाइड करेंगे। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं सर। सेम हमारा एक और डाइनिंग सेट है, जैसे उसमें हमने क्राउन का दे रखा था प्रीवियस में, इसमें हमने बटरफ्लाई मॉडल दे रखा है हेड पे इसके, जी, और सेम ड्यूअल टोन हमने फैब्रिक रखा हुआ है जी, ब्लू कलर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है इसमें, हाँ जी, बहुत ही रनिंग मॉडल है ये भी हमारा, मतलब अभी इसके 2 सेट के हमारे पाइपलाइन में ऑर्डर चल रहे हैं। अच्छा, और इसका जो लटक है ये मार्बल में जो आप देखेंगे इसमें फिनिशिंग में लटक वगैरह है जो वो काफी इसका लुक एनहांस करती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा मार्बल यूज हुआ है सर? सर इसमें भी ऑनिक्स क्रीम ऑनिक्स मार्बल यूज किया है, और इसमें हमने जो टेपर में करके इसमें हमने नीचे भी ये 3 इंची का ये पूरा लटक दे रखा है, हाँ जी, इससे जो क्या होता है और भी इससे लुक इसका निकल के आ रहा है। मैं इसके लेग्स भी दिखा रहा हूँ, लेग्स और चेयर की लेग्स ओरिएंट शेप में ये इसके लेग्स हैं, और सारा सिंगल सागवान में ये सर, काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये आपको, तो इसकी गारंटी वारंटी सेम रहने वाली है? बिल्कुल सर, ये चीजें मतलब की सागवान में होती है तो हम लोग तो गारंटी बना के देते हैं, बट इनमें जनरली कोई इशू आती नहीं है, आप 10 साल तक इसको आराम से इजीली यूज कर सकते हैं, उसके बाद इसमें पॉलिशिंग वगैरह करवानी हो तो वो सारी भी हो जाती है। ठीक है सर, आगे चलते हैं सर। 6 सीटर डाइनिंग सारे देख लिए सर, तो अब बात आती 4 सीटर की, 4 सीटर भी यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगा, सामने हमारे बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन यहाँ पे 4 सीटर डाइनिंग टेबल देखने को मिल रहा है। अमित जी बताइए इसके बारे में। जी सर, ये जो 4 चेयर का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है हमने, ये डिजिटल ग्लास में है, सारा प्रिंटेड ग्लास होता है, इसके नीचे बेसिकली फिल्म चढ़ी हुई है। अच्छा जी, इसमें भी कई सारे मतलब 500 मॉडल्स आते हैं हमारे पास डिजाइन से, इनमें ग्लास के आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो डिज़ाइन हम आपको इसके ग्लास के ऊपर दे देंगे, और जो इसकी चेयर्स है ये सारी प्यू हाई ग्लॉस में ही सागवान में, मतलब काफ़ी बेस्ट, एकदम सिंपल सी इसकी चेयर है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है सर, और गद्दी भी हमने बहुत ही इसमें 40 डेंसिटी की रखी हुई है, और इसका जो कम्फर्ट रहता है ये पूरा हाई बैक चेयर्स है, तो जो कम्फर्ट आता है खाने के बाद बहुत ही मतलब अच्छा आता है। ठीक है सर, तो 4 सीटर ही रहने वाला है, तो इसमें कौन सा मार्बल ऊपर यूज हुआ है सर? सर ये ग्लास है, डिजिटल ग्लास है बेसिकली, ये मार्बल नहीं है, इसमें ग्लास प्लेन ग्लास आप लेना चाहे तो प्लेन ग्लास ले सकते हो, और डिजिटल ग्लास लेना चाहे तो डिजिटल ग्लास ले सकते हो। ठीक है, तो इसकी भी गारंटी वारंटी सेम रहेगी बिल्कुल, तो इसके प्राइस की बात करें, प्राइस कोट करिए सर इसका। सर जी इसका जो प्राइस रहने वाला है ये 44,000 का। 44,000, ठीक है सर। तो इसके गाइस आप लेग्स देख सकते हैं, डाइनिंग के लेग्स
और प्लस चेयर के लेग्स। मैं चाहूँगा अमित जी एक बार इसके डाइनिंग के लेग थोड़ा एक्सप्लेन करें। जी सर, इसका जो लेग हमने रखा हुआ है बहुत ही स्लीक रखा हुआ है जी, जैसा कि आप देख ही रहे हैं 4 चेयर्स है, तो इसके हिसाब से ब्रॉडर लेग्स ना बहुत ऑड हो जाते हैं। हाँ जी, काफी स्लीक दे रखा, उसके लेग्स में भी हमने लाइनिंग की कार्विंग दे रखी है। हाँ जी, ये बिल्कुल देख सकते हैं गाइस आप, हमने दे रखा है जिससे इसका लुक और निकल के आता है और इससे आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल नहीं लगता और एक डिसेंट लुक देता है, काफी ज्यादा अच्छा लुक दे रहा है। जी जी, ठीक है सर। तो गाइस आपने सोफा डाइनिंग दोनों देख लिए, अब हम आ चुके हैं बेड की तरफ। सामने हमको बेड देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप, मैं अपने व्यूअर्स को पूरे बेड की कंप्लीट लुक दिखाने वाला हूँ। अब देखिए विद साइड टेबल्स ये रहने वाला है, नीचे काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। अमित जी हमको गाइड करेंगे, बताइए सर। जी सर, ये बेसिकली हमारे कस्टमर के ऑर्डर का बन रहा है और ये पूरा मास्टर बेडरूम के हिसाब से ये साइज लेके बन रहा है पूरा, ठीक है। और इसमें जो हमने काम किया हुआ सारा पोस्ट्री वर्क है, इसमें लाइटिंग भी है। अच्छा, ये लाइटिंग है इसमें सर। जी, मतलब काफी ज्यादा इसमें अच्छी लाइटिंग है और ये सबसे मतलब वार्म लाइट्स है, ये आंखों में लगने वाली नहीं है। जी, ये ऑफ वाइड है बेसिकली। जी, तो इससे क्या होता है कि आंखों को ये चुभती नहीं है लाइट। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें आप ड्रॉर वगैरह देखेंगे, ये सारे ड्रॉर है इसमें तो सारा काफी ज्यादा डीप इसमें स्पेस है, हैप्टिक चैनल यूज किया हुआ है, सॉफ्ट क्लोज है ये सारे। अच्छा, सॉफ्ट क्लोज है और इसमें स्टोरेज नहीं है बेसिकली। अच्छा, इसमें सर ये आप हाइड्रोलिक यूज करते हैं? जी। अच्छा, स्टोरेज नहीं है इसमें, तो इसमें हाइड्रोलिक हमें लीन नहीं पड़ी, बाकी एज पर कस्टमर किसी को सॉकर हाइड्रोलिक और वैसे चाहिए तो ऑन डिमांड पे। अच्छा, विदाउट स्टोरेज है ये? जी, ठीक है, विद साइड टेबल्स विदाउट स्टोरेज। सर इसकी बैक की हाइट कितनी है? बैक की हाइट जो है सर इसमें हमने 54 इंचेस का दे रखा है। तो वैसे अगर फीट में देखे तो कितना होगा? 4.5 फीट की चौड़ाई रहने वाली है, वो 9.25 फीट। 9.25 फीट, जी ठीक है। आगे चलते हैं सर, कौन सा बेड दिखाने वाले हैं? अभी ये हम आपको अगला बेड जो दिखाने जा रहा हूँ, ये क्रीमिश कलर में है, ये इसका जो अपोस्ट्री वर्क भी आप देखेंगे काफी हमने फिनिशिंग पे और जिसमें हमने बीच में यूज किया हुआ, ये सारा एसएस का काम है, एसएस का काम है। इसमें आप जैसे कॉपर गोल्डन रोज गोल्ड कोई सा भी अगर कलर लगवाना चाहे, जिस कलर का आप एसएस लगवाना चाहे लगवा सकते हैं इसमें। और फिर इसके हमने फुट पे आप देखेंगे ये सारा कर्व कर रखा है जो। हाँ जी, मतलब इससे क्या होता है जैसे छोटे बच्चे कॉर्नर वगैरह लगा लेते हैं, छोटे लगा लेते हैं, तो इसमें क्या होता है वो सेफ हो जाता है। सेफ हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, साइड टेबल्स इसमें काफी ज्यादा यूनिक डिजाइन में है। जी, एकदम जॉइंट है, मास्टर बेडरूम है बेसिकली, मास्टर बेडरूम के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। और इसमें नीचे की साइड में ये आप ड्रॉर देख सकते हैं, ये सारे ड्रॉर है। हाँ, अच्छी स्पेस है इसमें और यहाँ पे कुछ ऊपर रखना हो तो आराम से। जी, यहाँ पे आप प्लांटर वगैरह सूटकेस ठीक है वगैरह लगा सकते हैं। तो इसका 6x6 रहने वाला है सर? जी सर, इसमें जो साइज जो मैट्रेस का साइज रहता है वो सारा किंग साइज है, 6x6 का रहता है, 70x75। और जो हेड आप देखेंगे ये सर जी 9.5 फिट के, 9.5 फिट का। और जो इसमें पॉलिश यूज की हुई है सर जी, हमने इसमें ड्यूल टोन में यूज किया हुआ है और ये सारी मेटेलिक हाई ग्लॉस पॉलिश है, ठीक है। जो जैसे कारों पे जो पॉलिश होती है वो पॉलिश है सर। अच्छा, वो वाली पॉलिश। जी ठीक है सर। सेम स्टोरेज रहने वाला है, आपकी स्टोरेज वगैरह भी इसमें सारी फैसिलिटी है और इसमें सारे ये टीक बोर्ड एंड टीक प्लाई का है सर। ठीक है, सोफा तो आपने बता दिया कि चलो 15 से 20 दिन लगता है, अगर बेड का कोई ऑर्डर दे तो उसको कितने दिन में सर आप बना के दे देते हैं? सर इस टाइप के बेड का हम बेसिकली 15 से 18 दिन का टाइम पीरियड लेते हैं। 15 से 18 दिन तक आप बना देते हैं? बिल्कुल। तो सर ये वाला बेड मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया और अट्रैक्टिव लगा है, इस बेड के बारे में बताइए, इसमें कौन सी क्वालिटी आपने यूज की है, मतलब क्या यूज किया है इसमें? बेसिकली सर ये बेड कस्टमर के डिमांड पर डिजाइन किया हुआ है और इसमें आप फैब्रिक देख सकते हैं सारा ये ऑफ वाइट, ये क्रीमिश कलर में हमने मतलब ब्राउनिश रखा हुआ है, ठीक और है। और एसएस सारा इसमें 304 का है और जो पॉलिश रखी है हमने गोल्ड मेटेलिक रखी हुई है, गोल्ड मेटेलिक पॉलिश यूज हुई है, यूज हुई है। अच्छा, और इसके जो बॉक्स वगैरह जो है सारे 19mm की टीक प्लाई में और जो बॉटम का है वो 12mm का रहने वाला है, ठीक है। और जैसे कि आप इसके टॉप पे देख सकते हैं माइका लगा हुआ है, इसके अंदर भी ये सारा माइका है। अच्छा, माइका यूज हुआ है? हाँ, ये कस्टमर की डिमांड पे बना, प्लाई वगैरह के मोटाई भी देख सकते हैं सारा ना, सॉलिड सर टीक प्लाई है ये सारी, ठीक है। अगर सर इसको इसमें अगर हाइड्रोलिक यूज करना हो तो आप लगा के दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। वो जो भी आता है प्राइस रेशियो वो हम शेयर कर लेते हैं और अगर जैसे कस्टमर को हाइड्रोलिक चाहिए तो हाइड्रोलिक लग जाता है, शॉकर चाहिए दोनों पल्लो साइड तो शॉकर लग जाता है, ठीक है। अगर किसी को सर जैसे फ्रंट से अपलिफ्ट करना है, हाँ, फ्रंट लिफ्टर, जी फ्रंट लिफ्टर मतलब साइड से नहीं उठाना, और उनको मैट्रेस भी एकदम सिंगल मैट्रेस चाहिए तो वो भी आपके कस्टमाइज हो जाता है?
ठीक है, मतलब विद साइड टेबल्स ये होंगी। एक बार साइड टेबल्स खोल के दिखाइए मैं प्लीज। अंदर भी इसमें माइक है पूरा। अच्छा, नीचे दो दो स्टोरेज हैं इसमें जी, और सारा सॉफ्ट क्लोज रहने वाला है। सॉफ्ट क्लोज है, बिल्कुल बिल्कुल, काफी ज्यादा अच्छा ये है गाइस। तो आप देख सकते हैं जी, कस्टमर के ऑर्डर का है जी। सर एक ये बेड मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, पीछे इसका डिजाइन मतलब पर्सनली काफी ज्यादा, इसमें जो कटिंग की हुई है पीछे मुझे अच्छी लगी है सर। ये भी कस्टमर के ऑर्डर पे है, बताइए सर इसके बारे में। ये भी सर सेम कस्टमर के ऑर्डर का ही ज़्यादा सारा ना, क्योंकि इस फ्लोर पे 90% कस्टमर के ऑर्डर का माल रखा हुआ है। अच्छा, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसमें सेम हमने माइका यूज़ किया हुआ है। हाँ, बैक पे हमने इसके हेड पे SS का काम कर रखा है, ये वी शेप में हमने शेप दे रखा है। और ये इसके साइड में भी स्क्रिप्ट यूज़ की हुई है, और फैब्रिक पे ये कंट्रास्ट हमने ब्लू सेम सिंपल प्लेन यूज़ किया हुआ है, जिससे इसका लुक और ज़्यादा अच्छा जी। और इसके जो शेप हम नीचे देख रहे हैं सारा वुडन में काम है जी, काफी ज्यादा अच्छा डिजाइन सर ये देखने को दिख रहा है यहाँ पे जी। इसमें सेम बॉक्स में हमने माइका 19mm की टीक प्लाई है, और ये सारा ये टीक बोर्ड है सर। ये टीक बोर्ड है जी, और 19mm इसमें यूज हुआ है। हाँ, नीचे ये जो पल्लो में यूज हुआ है ये सारा टीक बोर्ड यूज हुआ है, सॉलिड टीक बोर्ड है। आप इसका ये स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं, मोटाई मतलब क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं रहती, सारी सॉलिड टीक बोर्ड होती है। ठीक है, मतलब फिनिशिंग चली रही है। मैं आपको मतलब जनरली इसका शूट करा देता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा डिजाइन है। तो विद साइड टेबल्स के साथ ही मिलेगा आपको? हाँ जी, हाँ जी सर। अगर किसी कस्टमर को साइड टेबल्स ना लेने हो तो उसमें प्राइस लेस हो जाते हैं। ठीक है सर। तो गाइज आपको सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, बेड्स, सोफ़ा, डाइनिंग, सारी आपको मैंने एक एक डिज़ाइन यहाँ पे एकदम एक्सपर्ट के तौर पे यहाँ पे काम किया जाता है। तो लास्ट में हम अमित जी से पूछेंगे सर, जैसे आप कुछ डिलीवरी चार्जेस वगैरह क्या प्रोसेस रहता है उसका बताइए सर। जैसे कस्टमर को कोई भी डिज़ाइन जैसे पसंद आता है तो हमें ऑन व्हाट्सएप पे हमें वो स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर सकते हैं, तो हम उसका प्राइस डिटेल प्रॉपर बता देंगे। और जहाँ पे जैसे कि स्टेट में जिस स्टेट में भी जो ट्रांसपोर्टेशन लगती है उसकी प्राइस डिटेल हम शेयर कर लेते हैं, और उसमें जो भी प्रोसेस वगैरह जो टाइम पीरियड रहता है उसमें हम टाइम पीरियड में रेडी करवा के वो फिर डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, मतलब प्रॉपर गाइडेंस आपकी तरफ से मिल जाएगी? बिल्कुल सर, ऑन कॉल पे जैसे अभी आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आ रहा है आप उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, जो आपको कोई स्क्रीन पे नंबर शेयर होगा। ठीक है सर, थैंक यू जी।